नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के ऊपर, क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जेंटामाइसिन इंजेक्शन एक प्रकार का एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि बिलोंग करता है टू द क्लास ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। मीन्स ये ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो कि वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है, या तो ये इसे प्रिवेंट करता है या एकदम ठीक कर देता है। और जैसे फर्दर जो ट्रीटमेंट, मतलब जो पास्ट ट्रीटमेंट थे उससे अगर नहीं राहत मिलती है तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखेंगे इसे कॉमनली, चाहे अगर आपको बोन और जॉइंट का इन्फेक्शन हो या लंग इन्फेक्शन हो या किसी भी प्रकार की कंडीशन हो जैसे मेनिनजाइटिस है या सेपिस लाइक कंडीशन है, तो उन सभी में जेंटामाइसिन को दिया जा सकता है। और अगर आप देखेंगे इसके को नॉर्मली हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट होते हैं उसको भी दिया जाता है, तो ये एक तरह से काफ़ी यूज़फुल होता है और इसे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अगर आप सिंपली समझे बिना किसी टर्मिनोलॉजी के, ये एक तरह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होता है उसको रोक देता है और जिससे बैक्टीरिया जो होता है फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करता है और इन्फेक्शन जो होता है वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा आगे अगर हम जाने कि क्या इसके यूजेस हो सकते हैं, यूजेस में आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है, तो चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या इवन अगर आप देखेंगे बोन और स्किन इन्फेक्शन हो या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंट्रा एब्डोमिनल से इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फेक्शन ऑफ ब्लड है या ईयर का इन्फेक्शन है, और या कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन जैसे जिसमें इन्फ्लामेशन होता है लेयर्स का, मेनिनजाइटिस, उस कंडीशन में भी इसको दिया जा सकता है, या इवन अगर आप देखेंगे सेपिस लाइक कंडीशन में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी दिया जा सकता है। तो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये कारगर के अंदर प्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो प्रिकॉशंस में आपको समझना पड़ेगा किसी भी प्रकार का मेडिकेशन या फिर इंजेक्शन बिना आपको डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रेग्नेंट वुमेन हो इसे अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और इवन अगर पेशेंट को हिस्ट्री हो लीवर या फिर किडनी डिसीज़ की तो भी अगर वो इसे अवॉइड करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रिकॉशंस हमको लेने ही पड़ेंगे। और अगर आप इसके कंटेंट से एलर्जिक हैं तो भी आप इसे अवॉइड करें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। आगे अगर हम जाने कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ये वेरी करेंगे पेशेंट टू पेशेंट, बट जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं जैसे कि नौजिया है, वॉमिटिंग है, या विजुअल प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट में, या इवन अगर आप देखेंगे लो ब्लड प्रेशर, इसके अलावा ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मींस प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो एक तरह से कम हो जाता है, इस वजह से इन कंडीशन में भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे फर्दर हम जाने कि क्या इसका डोसेज हो सकता है, डोसेज में मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये वेट के हिसाब से दी जाती है, बट ओनली ऑन डॉक्टर एडवाइस, जैसे ही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उसी हिसाब से आपको लेनी है। जो आमतौर पर इसका डोज होता है वो 3 to 5 milligrams पर केजी पर डे के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और उसके बेस पे जैसा भी पेशेंट का वेट होता है उसी के वेट के हिसाब से डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देता है एक तरह से इंजेक्शन उसके ऊपर। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।